हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं यहाँ पे लग गई हूँ, सुबह का टाइम है और बॉटल वगैरह भरने के लिए काम एक एक करके लगा रहता है। तो मैं नहा ली थी और नहाने के बाद जैसे ही नहा के आई तो मुझे लगा कि मैं लेट हो रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा सब्जी वगैरह बना लेती हूँ। तब तक श्रेया जो है भगवान जी को स्नान करा देगी। तो ये बहुत सारे, अगर किचन में चले जाओ तो फिर तो कब टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता। यहाँ तो पे मनी प्लांट काफ़ी दिनों से ऐसे मैंने रखा था, तो उसको मैं यहाँ पे पानी वगैरह चेंज कर दी हूँ और चेंज करने के बाद उसको मैं जगह पे लगा दी हूँ। ये ब्लॉग ट्यूजडे का है और मैं यहाँ पे काम कर रही थी। फिर से मैं घूम के आई कि श्रेया का जो है पूजा वगैरह हो गया, भगवान जी का जो मेकअप था, जो इनका श्रृंगार कर रही थी, वो हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अभी इनका थोड़ा सा बचा हुआ, तो फिर मैं वापस फिर से किचन में मैं जा रही हूँ। और अभी मैं फिर से किचन में आ गई क्योंकि मैंने सब्जी चावल वगैरह सब चढ़ा दिया था, तो मैंने सोचा श्रेया भी फ्री हो गई होगी। तो श्रेया जिस काम में लग जाती हैं फिर उसको बहुत ही अच्छा सा करती हैं। और मैं यहाँ पे चटपटा बना ली और उसके बाद यहाँ पे मेरा चावल भी पक गया है और ये सारे काम मैंने कर लिया, आटा भी तैयार कर लिया और मतलब इतना सारा काम कर लिया। और यहाँ पे मेरा कचौड़ी जो है थोड़ा सा बचा था, रात में मैंने बनाया था। तो चटपटे में धनिया नहीं है इसलिए देखने में इसका लुक जो है अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है लेकिन एक ग्रीन, पीले के साथ ग्रीन होना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा लगता है ना। तो मैं इसको ढक दी हूँ, गैस ऑफ़ कर दी और मेरा खाना जो है कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और श्रेया लगाई है म्यूजिक, तो वो अपना म्यूजिक लगा के अपना साफ़ सफाई कर रही हैं। तो मेरा झाड़ू पोछा बचा है और ज्योति भी आई थी, बर्तन वगैरह धुल दी है। और यहाँ पर भी देखिए इनका जो है सिंगार जो है भोले बाबा का और कान्हा जी का कर ही रही हैं। तो मैं डांट भी रही थी कि देखो तुम्हारे साथ मैंने नहाया, मैंने कितना सारा काम कर लिया और अभी तुम्हारा यहाँ पे साफ़ सफाई ही चल रहा है। और उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद भोलेनाथ को ये चंदन से टीका लगाई, पीले वाले चंदन से। और उसके बाद मैं यहाँ पे हमने वेट करते करते थक गई तो मैं फिर से किचन में आ गई। मैंने सोचा दूध वगैरह है इसको हम धुल के हटा दे, मतलब मतलब कैन धुल जाएगा और दूध यहाँ पे मैं छान लूँगी, छान के चढ़ा दूँगी। जब तक भैया वो पूजा करके हटेंगी तब तक मेरा ये सारा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिर से लग गई वापस किचन में और दूध भी छन गया है। इसको पानी डाल के पहले तो खंगाल देते हैं, खंगाल के दूध का जो धोवन होता है उसी में कैन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मतलब भगोने में, कैन से भगोने में डाल देते हैं। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। और मैंने बाल में हल्का सा ऑयल लगाया है और श्रेया अपना कान्हा जी का वो भजन सुन रही। तो किचन से फिर मैं फ्रिज के पास आ गई, कुछ मुझे लेना था। और मैं यहाँ पे इनको बेल पत्ती जो है दे रही हूँ चढ़ाने के लिए, क्योंकि आप देर में लगा रहे हो तो मैं बाकी सारा काम कर लेती हूँ। बैंगन जो और भिंडी जो मैंने धुल के रखा था तो उसको रखने आई थी। और यहाँ पे हलवा है लौकी का और वो दिख रहा है ना करौंदा, जो कि मेरा मन ललचा रहा है करौंदा खाने को। मैं होम्योपैथी की दवा करती हूँ ना, तो डॉक्टर मुझे मना किए हैं, दो ही चीज़ मुझे अच्छा लगता है, एक जो है फ्रूट में है बनाना, तो बनाना भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन खा लेती हूँ तो परेशान होने लगती हूँ। तो मैं यहाँ पे धुल के श्रेया को दे दूँगी, पहले तो सिंक पे इसको धुल लेती हूँ अच्छे से और उसके बाद जो इसका वो है उसको हटा दूँगी। और फिर मैं आ गई श्रेया के पास कि श्रेया तुम कब तक पूजा करोगी यार, कब तक श्रृंगार करोगी। तो भगवान जी का यहाँ पे लगा रही हैं टीका, मतलब ये येलो से लगाई थी, येलो चंदन से लगाई,
फिर उसके बीच में जो लाइनिंग है भगवान जी का वो करेंगे। और मैंने अभी थक गई तो सारा काम किचन का भी कर ली, नहीं हटी तो फिर मैं यहाँ पे फिर से लग गई। यहाँ पे बैंगन रखी थी, उसका जो रसा है सड़ गया था, तो बैंगन एक बैंगन सड़ा था, उसका जो रसा है वहाँ पे दाग जैसा छोड़ रहा है, तो मैंने सोचा कि वाइपर कर देती हूँ। और ज्योति भी आने वाली हैं और उनका टोकरी भी जो बर्तन का है वो भी मैं हटा दूँगी, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि अगर कहीं फिसल जाएगी तो उसको तो दो घर तीन घर काम करना है और फिर उसको प्रॉब्लम हो। तो फाइनली श्रेया ने कान्हा जी का जो है श्रृंगार कर चुकी हैं, तो मैं बोल रही हूँ अरे बाबा हट जाओ, मुझे पूजा करने दो, इतना समय मेरे पास नहीं होता है, इतना अगर मैं जैसे डीप समय देती हूँ भगवान जी को या किचन में या किसी काम में, तो फिर वो काम तो अच्छा होना ही होना है। तो श्रेया बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही मन से कान्हा जी को यहाँ पे उनका श्रृंगार की है और कह रही है कि मेरी नज़र किसी की नज़र ना लग जाए भगवान जी को। तो ऑलरेडी भगवान जी खुद ही इतने प्यारे से सुंदर से क्यूट से दिखते हैं कि उनको कोई भी बोल सकता है कि हाँ भगवान जी नज़र ना लग जाए। सच में भगवान जी वाक्य में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैंने कितना सारा काम कर लिया, सब्जी बना ली, चावल बना ली, आटा मतलब रोटी के लिए आटा तैयार कर ली, पूरा बर्तन रख ली। अभी श्रेया का टाइम लगेगा, अभी भी ये नहीं हटी हैं, तो मैंने सोचा कि बेल बैठी हूँ, सारा काम ख़त्म करने के बाद भी मैं आके बैठ गई हूँ। और यहाँ पे बेल पत्ती जो है इसकी टहनी जो है, मैं सोच रही हूँ खाली बैठी हूँ तो टहनी ही तोड़ देती हूँ, तो इसका जैसे ही टहनी पर हाथ लगाओ ना तो इसका जो तीसरा पत्ती है नीचे का, दो पत्तियाँ, एक पत्ती खंडित हो जाती है, फिर दो पत्ती बचता है तो बड़ा मन ख़राब हो जाता है। कहते हैं कि इसकी टहनी जो है हटा लिया करो, पूरी की पूरी जैसे टहनीदार पत्ती नहीं चढ़ाना है, तो थोड़ा सा जो बड़ा होता है देखिए पट्ट से टूट गया, एक पत्ती टूट जाएगी। और फिर इतना प्यारा प्यारा सा सुंदर सा बेल का पत्ती है, लेकिन काफ़ी दिनों से हो गया, मैं संडे को गई थी दवा लेने तो संडे बीत गया, आज मतलब ये हो गया 10 दिन का पत्ती। हाँ तो यहाँ पे श्रेया जो है कान्हा जी को फाइनली रेडी कर चुकी हैं, मतलब उनका श्रृंगार वगैरह कर चुकी हैं, तो अब ये है कि वो भी मोबाइल पे अपने क्लिप ले रही हैं, मैं भी अपने मोबाइल पे ले रही हूँ क्लिप। तो ये मतलब स्नान कराई और फिर उसके बाद भोलेनाथ को और कान्हा जी को इनका मेकअप वगैरह करी, लेकिन ये है कि इतना समय ली तो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अद्भुत श्रृंगार करी है इनका और बहुत ही अच्छा लगा। जो कि छोटे बच्चे अगर इतना इस तरह से श्रृंगार करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे की वीडियो मैं शेयर कर दूंगी क्योंकि। तो चलिए वीडियो इन करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी